subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हाल ही में अलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पुलिस कांस्टेबल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने धर्म के नाम पर दाढ़ी रखने की परमिशन मांगी थी। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के आधार अधिकार के बावजूद पुलिस बल में, पुलिस फोर्स में काम करने के दौरान दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है, एक फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता है। क्या था ये पूरा मामला और कोर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन इस पर क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊंगी केवाईसी के इस एपिसोड में। अब ये केस दरअसल था अयोध्या जिले के खानदासा थाने में तैनात पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद फरमान का। इस केस में हुआ ये था कि यूपी में वहाँ के पुलिस महानिदेशक यानी कि जो DGP थे वहाँ पे, उनकी तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया जिसके हिसाब से पुलिस फोर्स में रहते हुए दाढ़ी रखने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन इस सर्कुलर के जारी किए जाने के बाद भी पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद फरमान जो इस केस में पिटिशनर थे, उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी, जिसके बाद आदेश का पालन न करने के चलते अयोध्या पुलिस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। अब उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी की कि डीजीपी से वो दाढ़ी रखने की इजाज़त मांग ले। उन्होंने ये कहकर एक एप्लीकेशन भी फाइल की कि मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार, उनके प्रिंसिपल्स के अनुसार उन्हें अपनी दाढ़ी बनाए रखने की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन उनकी इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया। और इसी के चलते अब उन्होंने DGP के सर्कुलर के साथ साथ अपने खिलाफ जारी किए गए सस्पेंशन ऑर्डर और बाकी प्रोसीडिंग्स को भी कोर्ट में चैलेंज किया। अब आपको पहले बता दूं कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के मुताबिक किसी भी इंसान को अपने धर्म के मुताबिक आचरण करने और अपने धर्म का प्रचार करने की एक तरह से स्वतंत्रता है। लेकिन आर्टिकल 25 ये भी कहता है कि वो लोक अवस्था, ये जो राइट है वो लोक अवस्था, सदाचार और बाकी फंडामेंटल राइट्स के अधीन रहते हुए ये इस राइट को देता है। यही हाईलाइट करते हुए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 25 एक तरह से पूर्णाधिकार यानी कि एब्सोल्यूट राइट नहीं देता, एक लिमिटेड राइट देता है। मतलब बेसिकली अब इस प्रोविज़न को कोर्ट ने इस तरह से इंटरप्रेट किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे हर चीज़ करने की परमिशन नहीं होती है। आप सिर्फ वो ही चीज़ें कर सकते हैं इस फंडामेंटल राइट के अंदर जो कि रिलीजन का एक इसेंशियल, एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। अब जजमेंट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा कि डिसिप्लिन फोर्सेस के सदस्यों को विभाग या फिर विभाग के उच्च जो अधिकारी होते हैं उनसे, उन्होंने जो जिस तरह के कार्यकारी आदेश या फिर सर्कुलर या फिर निर्देश जारी किए होते हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अब कोर्ट का ये भी मानना था कि कार्यकारी सूचना या फिर आदेश पुलिस फोर्स में अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए जारी किए जाते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि पुलिस फोर्स को एक डिसिप्लिन फोर्स होना चाहिए और कानून लागू करने वाले एजेंसी होने के नाते ये ज़रूरी है कि ऐसे फोर्स की एक तरह से सेक्युलर यानी कि धर्म निरपेक्ष छवि होनी चाहिए जो राष्ट्रीय एकता के भाव को मजबूत करती है। अब ये दाढ़ी रखने का मामला है, ये दरअसल एक्चुअली एक पुरानी कंट्रोवर्सी है। इस पर कोर्ट्स ने पहले भी जजमेंट्स दिए हैं। आपको एक और ऐसी जजमेंट के बारे में बताती हूँ। 1985 में केरला हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें मोहम्मद फसी नाम के एक पुलिस ऑफिसर थे, वो 1963 में पुलिस फोर्स में एंटर हुए, 1974 में प्रमोट हो गए और उन्होंने 1981 में दाढ़ी बढ़ाने की परमिशन मांगी, लेकिन उन्हें भी परमिशन नहीं दी गई और फिर वो उन्होंने कोर्ट के सामने एक पिटिशन फाइल की। जजमेंट में केरला हाईकोर्ट की फाइंडिंग ये थी जजमेंट में कि दाढ़ी रखना दरअसल एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम के अंदर और इसलिए पुलिस सेवा में रहते हुए दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति न देने से फसी के आर्टिकल 25 के तहत जो उनको मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस सेवा का हिस्सा होते हुए फसी को उस सेवा के अनुशासन डिसिप्लिन का पालन करना होगा। एक और ऐसे जजमेंट के बारे में आपको बताती हूँ जो कि सुप्रीम कोर्ट से आया था 2016 में। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडियन एयरफोर्स के एयरमैन मोहम्मद जुबैर की दाढ़ी बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया। इस जजमेंट में अब कोर्ट ने आर्टिकल 33 का हवाला दिया और
आर्टिकल 33 का हवाला देते हुए कोर्ट ने वायुसेना की उस पॉलिसी को बरकरार रखा जिसमें सदस्यों के लिए दाढ़ी मुंडवाना कंपलसरी कर दिया गया था। अब आर्टिकल 33 के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, आर्टिकल 33 में बेसिकली पार्लियामेंट को ये तय करने की अनुमति दी गई है कि आर्म्ड फोर्सेस पर मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स किस हद तक लागू होंगे, और ये पावर उनको इसलिए दिए गए हैं ताकि ये जो आर्म फोर्सेस के सदस्य हैं वो ड्यूटीज़ को फॉलो करें और उनमें अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन बनाए रखा जाए। तो ये आर्टिकल बेसिकली पार्लियामेंट को इन मौलिक अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट करने की शक्ति देता है सिर्फ कुछ लोगों के लिए, और आर्टिकल 33 अप्लाई होता है सशस्त्र बलों के ऊपर, आर्म फोर्सेस, नौसेना, वायुसेना के साथ ही उन पर भी लागू होता है जिन पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे कि पुलिस फोर्सेस। ऐसे जजमेंट्स के बात करते हुए प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने एक यूट्यूब वीडियो में कोर्ट्स ने इस क्वेश्चन को किस तरह से डील किया है उस पर आपत्ति जताई है और उसे प्रॉब्लमैटिक बताया है एक तरह से। जिस मैंने केरला हाई कोर्ट की जजमेंट के बारे में अभी आपको बताया मोहम्मद फसी की, उसके बारे में बात करते हुए मुस्तफ़ा ने कहा है कि इस जजमेंट में अगर कोर्ट सिर्फ इतना कहती कि अगर आपको पुलिस में या फिर आर्मी में या फिर एयरफोर्स में रहना है तो आपको वहाँ के डिसिप्लिन रूल्स हैं वो फॉलो करने होंगे तो बात ख़त्म हो जाती, तो बात ठीक होती। लेकिन मुस्तफ़ा ने ये हाईलाइट किया है कि केरला हाई कोर्ट ने जजमेंट में कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस्लाम में दाढ़ी रखना ऑब्लिगेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है और सिर्फ एक ऑप्शनल प्रैक्टिस है। इस लॉजिक को उन्होंने देश के संविधान और जुडिशियल प्रेसिडेंस के खिलाफ और विरुद्ध बताया है। उस जजमेंट में दरअसल कोर्ट ने कई बातें बोली थी, स्क्रिप्चर्स भी देखे थे ये समझने के लिए कि मुसलमानों के लिए दाढ़ी रखना एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं, और इसके साथ साथ कोर्ट ने एक और बात कही थी कि एक पड़ोसी थियोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक के राष्ट्रपति दाढ़ी नहीं रखते हैं, वहाँ के उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और मिनिस्टर्स जैसे डिग्निटरीज भी दाढ़ी नहीं रखते। और इसके बाद केरला हाई कोर्ट ने ये कंक्लूड किया था कि इस्लाम में दाढ़ी रखना एक एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन अब मुस्तफ़ा का ये कहना है कि सभी धर्मों के अंदर भी धार्मिक विद्वानों के आपस में भी डाइवर्जन ऑफ ओपिनियन होते हैं, अलग अलग तरह के ओपिनियन होते हैं। किसी भी मुसलमान के लिए दाढ़ी रखना ज़रूरी भी हो सकता है क्योंकि कुरान के बाद उन्होंने ये बताया कि मुसलमान हदीसों को सबसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं जिसके हिसाब से दाढ़ी रखना ज़रूरी है। मुस्तफ़ा ने यह भी कहा कि मुसलमानों की जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो इस्लाम के विद्वान तय करेंगे, न कि उन्हें किसी मुसलमान के आचरण या किसी सर्वे से तय किया जा सकता है। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी, ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।